नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। मध्य क्षेत्र विधायक आरिफ मसूद ने पत्रकार वार्ता में कहा कि एनआरसी सीएए एनपीआर को लेकर मध्य प्रदेश के सभी जिलों के प्रमुखों की बैठक भोपाल में आयोजित करने की तैयारी की गई है। इस बैठक में मध्य प्रदेश में बड़े आंदोलन की तैयारी की जाएगी। साथ ही विधायक आरिफ मसूद ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी से आग्रह किया है कि हर 10 वर्ष में जो जनगणना की जाती थी उसमें प्रदेश के नागरिकों को कोई ऐतराज नहीं था, जिसमें जनगणना करने वाले आते थे, घर में कितने लोग हैं पता करते थे और चले जाते थे। लेकिन वर्तमान में मोदी सरकार ने जो संशोधन किया है, एनपीआर लाई है, यदि उसके आधार पर जनगणना की गई तो घर वालों से उनके साथ साथ उनके बाप दादा की जानकारी भी मांगी जाएगी और इस प्रकार की जनगणना नहीं की जानी चाहिए। और इसी को लेकर इसी सप्ताह से हम एक मुहिम चला रहे हैं जिसमें सभी के घर के बाहर नो सीएए नो एनआरसी का स्लोगन लिखा जाएगा। नहीं, आंदोलन के उस दिन हमने सबके मध्य प्रदेश के लोगों को जोड़ा है और पूरी बात पब्लिक के बीच में खुलासा तमाम हमारी संविधान आंदोलन मदरसा बोर्ड के चेयरमैन रहे और संस्थापक रहे मुनीर भाई ने हमारे मदरसा बोर्ड के और इंदौर से बहुत सोशलिस्ट काम करने वाले। अभी हम लोग सभी बात कर रहे हैं, ये लोग पूरे क्योंकि मैं अभी इधर मसरूफ हूँ तो ये लोग पूरे एमपी में दौरा करेंगे और सारे एमपी को ये जितने जिम्मेदार हफ्ते के लिए कर रहा है सबको लेकर भोपाल में उस दिन जमा करके और सबके बीच बात रख के फिर मिलेंगे। सत्य गिरे के लोग भी उसमें शामिल होंगे, जो संविधान आंदोलन है वो भी शामिल होगा और एक बार मुख्यमंत्री जी को विधिवत रूप से बताया जाएगा और निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है कि कमलनाथ जी उसको एग्री करेंगे और जिन्होंने गड़बड़ करी है उन पे कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ये पूरे सेंट्रल पर एक हमारी संविधान सुरक्षा आंदोलन की एक कमेटी बनी है और वो कमेटी के साथ ही मैं मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करके अवगत कराऊंगा और उसके बाद अगर निर्णय संतोषजनक नहीं रहा तो निश्चित रूप से आंदोलन होगा। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती भोपाल। पर समय जगत, एक संदेश पूरा देश।